एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसा कि थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि मैं जो आज है बात करने वाली हूँ दुबई टूर एंड दुबई पैकेजिंग के ऊपर। जी हाँ, अभी मुझे दुबई में सारा चीज़ शिफ्ट करना है, मेरी हाउस शिफ्टिंग करनी है उधर, तो उसको लेकर मैं सारी पैकेजिंग कर रही हूँ। या तो आप विजिट वीज़ा पे जाते हैं या फैमिली वीज़ा पे जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी पैकिंग हो सकती है। तो अभी जो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल टूर कर रहे होते हैं उनके लिए ये सारी फर्स्ट पैकेजिंग काफ़ी कंफ्यूजन भरी होती है कि फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल टूर पर मुझे क्या ले जाना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए, उन्हें नहीं समझ में आ रहा था। तो वो कभी गूगल कर रहे होते हैं या फिर वो कभी यूट्यूब पे सर्च कर रहे होते हैं। इसलिए मैं सोची एक क्यों ना एक व्लॉग बनाऊँ, ये सारी चीज़ें उनके लिए भी हेल्पफुल होगी। तो मेरे साथ इस बार कुछ ऐसा हुआ कि मैं अभी आई थी दूसरे कंट्री से कुछ काम को लेकर इंडिया, और अभी मैं जा रही हूँ वापस दूसरे कंट्री। एक्चुअली मैं काफ़ी सालों से दोहा में थी और वहाँ से मैं आई थी इंडिया कुछ काम को लेकर, बट अभी मुझे दुबई जाना हो रहा है। पर अगर आपको दुबई जाना हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, या फ्यूचर में कभी कतर में जाने इतने वाले साल हो रहने तो। के बाद वहाँ पर कुछ सोसाइटी के लोगों से, वहाँ से वहाँ की कुछ चीज़ों से अटैचमेंट सी हो गई थी, पर वहाँ से मूव करना थोड़ा तो बैड फील हो रहा है। लेकिन जब लाइफ में आपको कुछ अच्छा मिल रहा हो तो हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए मूवमेंट करना ही चाहिए। और फिर आप जहाँ भी रहो वहाँ पर सोसाइटी लोग, फिर से सारे लोग से अटैचमेंट और बातें होती ही रहती है, तो एक नया सर्कल आपका बन सा ही जाता है। फिलहाल मैं अभी जो दुबई जाना है उसकी मैं तैयारी बहुत दिनों पहले से कर रही थी। आप मेरा पिछला ब्लॉग भी चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने बहुत सारे कपड़ों की शॉपिंग भी की थी। तो मैं मुझे जैसे टाइम टू टाइम ऐसा जब भी मौका मिलता मैं निकल जाती शॉपिंग के लिए, क्योंकि मुझे एक दिन या फिर कुछ दिन में मेरे से सारी चीज़ें नहीं हो पाती। मुझे कोई भी चीज़ों के लिए थोड़ा सा टाइम, और अच्छे से जब तक मैं मुझे पसंद ना आए मैं नहीं खरीदती हूँ। तो इसलिए मैं टाइम लेकर बहुत दिनों से अपनी पैकिंग और सामान को कलेक्ट कर रही थी। अभी अभी वो फाइनल चीज़ आ गया है कि मैं वो सारी जो कलेक्ट की हुई चीज़ें हैं उनको अब मैं पैक करूँ, और अब मुझे बहुत कम टाइम रह गया है कि मुझे अब निकलना है। आपके इंटरनेशनल टूर की सबसे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे अकॉर्डिंग जो है वो है डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट्स, आपके वीज़ा, आपके टिकट्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कपड़े, दो कपड़े छूट जाए, कपड़े ना भी जाए, खाने पीने की चीज़ें ना भी जाए, तो उसका सब्स्टिट्यूट है, पर डॉक्यूमेंट का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी सारे चीज़ों की ऑप्शन है, कुछ चीज़ें एक्सपेंसिव भले मिलेगी वहाँ पर, लेकिन वो आपको मिल ही जाएगी। पर डॉक्यूमेंट्स तो आपको सब कामों से पहले आपको इसे ध्यान रख कर आपको अलग से एक फाइल करना है और अपने हैंड बैगेज में अपने साथ रखना है, क्योंकि एयरपोर्ट पहुंचते के साथ ही आपको हर जगह पर इसकी काम लगनी है। जब तक कि आप दूसरे कंट्री पहुंच ना जाओ वहां पहुंचने के बाद भी काम लगने हैं, और अपने रूम में वहां पहुंच कर ही इससे थोड़ा सा आपको आराम राहत मिलता है। सेकेंड थिंग, अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपको हमेशा अपनी एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए। उसमें अपना हमेशा टाइम टू टाइम लिस्ट क्रिएट करते रहना चाहिए, आपके दिमाग पे जो भी आ रहा है कि हाँ ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ ले जानी है। तो हो सकता, और मैं ये बहुत अरसे से करते आ रही हूँ, मैं इतने सालों से ट्रैवलिंग कर रही हूँ, मुझे ये डायरी में जो लिखने की हैबिट है ये मुझे कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं होने देती कि मेरी ये सामान छूट गई हो इम्पोर्टेंट, या मैंने मिस कर गई। तो आप भी ये मतलब ज़रूर इसे फॉलो कीजिए, और आपको भी ऐसा फील होगा कि आपसे भी ऐसी कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपसे मिस नहीं होगी।
तो मैं एक अलग से भी आपके लिए एक डिटेल वीडियो लाऊंगी जिसमें आपको उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, जिसमें ये पता चलेगा कि यूएई में वीज़ा कितने टाइप्स के होते हैं, फैमिली वीज़ा, विजिट वीज़ा में क्या डिफरेंस होता है, या अगर आप जॉब के लिए जाना चाह रहे हो तो आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सारी डिटेल एक वीडियो में अलग से लेके आऊँगी। फिलहाल आज की जो वीडियो है वो मेरी पर्सनल व्लॉग है कि मैं पर्सनली अपने ट्रिप या फिर बाहर में जाती हूँ तो मैं कैसे जाती हूँ। फिलहाल मैं ये काफ़ी लंबे टाइम के लिए जा रही हूँ, मुझे वहाँ पे शिफ्टिंग के वे से जाना है जिसके कारण मेरी सामान काफ़ी जाता है। और हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि आपकी पूरी पैकेजिंग इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आपको कितना ज़्यादा वेट ले जाना अलाउ है। जैसे कि हम लोग अभी 4 लोग जाने वाले हैं यूएई दुबई, तो हमारे पास काफ़ी वेट ले जाने का अलाउड परमिशन है जिसके कारण मैं काफ़ी अच्छा खासा मैं पैकिंग कर सकती हूँ। तो आपकी पैकेजिंग इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आपको कितना ज़्यादा फ्लाइट में वेट ले जाना अलाउ हो। तो ये चीज़ को आप हमेशा अपने माइंड में रख कर ही अपना पैकिंग स्टार्ट किया करें। तो मैंने अपनी सारी पैकिंग इसी चीज़ को ध्यान में रखकर सारा चीज़ अरेंज किया है। चलिए, अब बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर लिया, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितने सारे बैग निकाले हैं, क्या क्या सामान निकाले हैं। अगर आपके साथ किड्स हैं तो क्या चीज़ आप कैरी कर सकते हैं, और मेडिसिन में आप क्या कैरी कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर भी एक पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी चाहिए, वो मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगी। तो इतने सारे इम्पॉर्टेंट बातों के बाद अब चलते हैं वीडियो में आगे कि मैंने क्या क्या तैयारी कर रखी है, मैं क्या चीज़ें ले जा रही हूँ, मैं किस चीज़ों को प्रेफरेंस देती हूँ। ये सारी चीज़ें आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और चलते हैं पैकिंग करने। तो मैंने अपना पैकिंग का काम स्टार्ट कर दिया है, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे लॉन्ड्री का भी काम करूँगी। जो भी मेरे कपड़े लॉन्ड्री में डालने हैं वो सारे कपड़े भी मैं यहाँ से देखते जाऊँगी। और ये रहा, अभी फ़िलहाल मैंने 3 ट्रॉली बैग निकाल रखे हैं, और ये कुछ चीज़ें जो किचन की मुझे जाते के साथ ही ज़रूरत पड़ेगी वो सारी चीज़ें मैं ये यहाँ पर कलेक्ट करके रखी हूँ। तो आइए मैं आपको नज़दीक से दिखलाती हूँ कि मैंने क्या क्या रखा है। तो यहाँ पर फर्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो मैं तुरंत मार्केट से जाके नहीं ख़रीद सकती, पहले तो ये चीज़ें मैं 8-10 अपने बच्चों का हेल्थ ड्रिंक ले ली हूँ, क्योंकि ये ब्रांड मुझे उधर जल्दी नहीं मिलते एबॉट के, तो उससे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, इसलिए वो मैंने 8-10 पैकेट ले लिए। ये कुछ कुकर के रबर्स एंड पिन, और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, घी है, घर का घी है, और कुछ चिंग्स मसाले हैं, और MDH के स्पेशली मैंने मसाले रखे जो मुझे वहाँ पे बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो आप भी अगर जा रहे हो तो कुछ ऐसा आपका स्पेसिफ़िक मसाला या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आप टेस्ट ढूंढना चाहते हो, पसंद है, और आपको वहाँ पे जल्दी ना मिले, तो आप यहाँ से कैरी करके जा सकते हैं। ये बहुत वेट में हैवी भी नहीं होते हैं और आराम से आप कैरी कर सकते हैं। ये मैंने कुछ किचन के लिए छोटे से डब्बे, और ये चॉपर, और मेरे वहाँ पे बहुत सारी यूटेंसिल है जिसके कारण मैं यूटेंसिल नहीं ले जा रही हूँ। बर्तन मैंने कोई भी कैरी नहीं किया, बस मैंने 2 प्लेट बच्चों के लिए रखे हैं, क्योंकि मेरे ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं, इसलिए मैं वो कैरी नहीं करूँगी। हाँ, 1-2 चीज़ जो है मैंने ले रखी है, बाकी सारी चीज़ें मेरी वहाँ पर हैं, इसके कारण मैं बस इतना सामान लूँगी। और आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं वहाँ पे है जो नहीं मिलती है, पर हाँ, आपको वो सारी चीज़ें यहाँ से लेके जानी चाहिए जो चीज़ आपको जाते के साथ काम पड़े, क्योंकि आप जाने के साथ ही साथ मार्केट पे निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है इसके कारण ही। तो मैंने याद करके जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर ली है। तो
अब बात कर लेती हूँ मेडिसिन की। ये सारी मेडिसिन मैंने ले जाने के लिए निकाली है, और साथ में जब आपके किड्स हो तो और भी ज़रूरी हो जाता है कि आपके पैगजीन में मेडिसिन को इम्पोर्टेंस दिया जाए, क्योंकि बच्चों का आए दिन कुछ ना कुछ हेल्थ इशू लगा ही रहता है। और आप अगर जानते हो कि उन्हें कौन सी मेडिसिन सूट कर रही होती है किस डिजीज़ के लिए, तो आपको एक्स्ट्रा में सारी मेडिसिन कैरी करनी ही चाहिए। क्योंकि वहाँ के सॉल्ट, मैंने अभी तक जहाँ तक ऑब्ज़र्व किया है कि वहाँ के सॉल्ट मुझे समझ में नहीं आते हैं, थोड़े से मुझे यहाँ के कॉम्बिनेशन वहाँ के कॉम्बिनेशन में अंतर लगती है, जिसके कारण मैं यहाँ से ही ज़्यादा ले जाती हूँ। तो ये मैं कुछ मल्टी विटामिन्स, ओमेगा 3, कुछ पुदीन हरा और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन और कुछ बैंडेज, ये सारी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेके चली है। और एंटीबायोटिक, ये सारे मेडिसिन कुछ बच्चों की है, कुछ अपनी है, कुछ मल्टी विटामिन्स हैं, कुछ बाद में काम आने वाली चीज़ है, पर मैंने कोशिश की है कि मैं सारी चीज़ें एक्स्ट्रा लेकर चलूँ। बाद में भले ही एक्सपायरी होकर वो फेंका जाना है, लेकिन मैं ऐसे एक्स्ट्रा लेकर ही चल रही हूँ। आपके पास ज़रूर से आई ड्रॉप होनी चाहिए। बारी थी पैकिंग बच्चों के कपड़े करने की। ये सारी मैंने प्रेस के लिए निकाली हुई थी, तो मैंने जस्ट वीडियो बना ली। और ये सारे न्यू पैंट्स मैंने कुछ 20 से 22 सारे न्यू पैंट्स ले लिए थे, ख़रीदे थे बच्चों के लिए। और कुछ फूल थे, कुछ हाफ थे, कुछ गर्मी के थे। ज़्यादा गल्फ़ में, दुबई में गर्मी ही रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ज़्यादा स्लीव्स और ऐसे हल्के कपड़े ही लिए हैं। बहुत कम मैंने वार्म कपड़े बच्चों के रखे थे, फिर भी विंटर में थोड़ा सा तो आपको काम पड़ता है गर्म कपड़ों के, तो मैंने थोड़े से आपको इनर वगैरह भी निकाल लिया था। और ये कुशन्स, ये सारे कपड़े मैंने बच्चों के लिए निकाले हैं। और अब बात कर लेते हैं इनके हेल्थ केयर का भी, मैंने सारा चीज़ लिया है। और ये सॉक्स रहा बच्चों का, ये सॉक्स, ये इनर, ये है बैग, और ये उनके लिए फ़न एक्टिविटी के लिए मैंने कलर लिए हैं कुछ ट्वाइस। बारी थी मेरी पैकेजिंग की। मैंने ये सारी कपड़े अपने निकाल रखे थे ले जाने को, तो ये कुछ घर में पहनने को ट्राउज़र एंड नाइट सूट थे, और ये कुछ लॉन्ग ड्रेसेस थे,
इसके बाद मैंने 2-3 जींस रख लिए थे जो आप मल्टी मतलब टॉप यूज़ करके आप वियर कर सकते हो। ये भी कुछ लॉन्ग ड्रेस है, ये प्लाजो है, ये एक साड़ी जो मैंने मैक से लिया था, और ये सारी ड्रेसेस जो मैंने मैक से शॉपिंग की हुई थी, ये सारी ड्रेस भी मैं ले जा रही हूँ। उधर मेरे ट्राउज़र हैं, तो मैंने 2 ट्राउज़र भी लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ 20-22 टॉप निकाल लिए हैं। सर्दियाँ ज़्यादा नहीं पड़ती है, इसलिए मैंने एक स्टॉल और एक जैकेट लिया है। बाकी मैंने 3 स्पैक लिए हैं, चश्मा मैंने ले लिया है अपना। इसके बाद मैंने अपना स्किन केयर का सारा सामान निकाला। ये हेयर केयर के लिए मैं ये ऑयल लगाती हूँ, तो मैं ये ले जा रही हूँ। ये कुछ पिंस क्लिप और इस बैग में वो सारी छोटी चीज़ें जो मुझे ज़रूरत पड़ती हैं हमेशा, तो वो मैंने इसमें ऐसे मैंने लेकर साला रख लिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये लगती है कि कभी भी आए दिन आपको कुछ ना कुछ काम पड़ सकता है, तो आपके पास एक ये थ्रेड बॉक्स होना चाहिए, कुछ बैटरी, अब देखिए अलाउ तो नहीं है, कुछ चिप स्टिक और सेल्फ स्टार्टर मेरा गैस है, फिर भी कभी ज़रूरत लग जाए तो मैंने ये 2 लाइटर भी लिए हैं। उम्मीद करती हूँ गाइस कि आज का व्लॉग भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आपका व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना प्यार इसी तरह मेरे चैनल को देते रहिए, और मैं अभी आगे भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मेरे व्लॉग में देखने को मिलेगा। मैं अभी टूर पे जाऊंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप मेरे व्लॉग और चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। हमेशा आपको टाइम टू टाइम मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसके कारण आपको मेरे व्लॉग में क्या हो रहा है ये सारी चीज़ें अपडेट्स मिलते रहेंगी। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। मैं चलती हूँ, बाय बाय।